हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ मोरबी उस ट्रेजेडी के बारे में बात करूंगी। गुजरात का वो स्थान जहां आज के दिन शोक मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है 2 नवंबर का दिन, और वहां के लोग आज इतने अधिक दुखी हैं क्योंकि उनके अपने उनसे ना चाहते हुए भी बिछड़ गए हैं, और ऐसे बिछड़े हैं कि कभी नहीं वापस आएंगे। क्या उनके दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम कर पाएंगे? मुआवजा दे देंगे, कंपनसेशन दे दिया जाएगा उनसे। नरेंद्र मोदी उन परिवारों से, पीड़ितों से मिल चुके, जहां पर ये ट्रेजेडी हुई उस जगह पर जाकर नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया। लेकिन क्या ये सारी बातें उन पीड़ित परिवारों के लिए इनफ है जिन्होंने अपनों को खोया? और क्यों खोया? क्या इस एक्ट को एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे या फिर ये एक्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी, एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस, एक्ट ऑफ ग्रीडीनेस? क्या इस कार्य को नाम देंगे? सिर्फ और सिर्फ छोटे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालने से और मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें आ जाने से कि अपराधी पकड़े गए, वास्तव में क्या ये रियल कल्प्रिट्स हैं जिनको कि पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा है, या फिर इस घटना के ऊपर लीपापोती की जा रही है? ये पूरा मामला क्या है, आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपना वक्तव्य आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा क्या मानना है, गुजरात का मोरबी ट्रेजेडी, ये मोरबी वो स्थान जहाँ पर कि 143 ईयर्स का पुराना पुल, जिसे ओरेवा वॉच कंपनी ने अपने हाथों में लिया, लीज पे लिया और परमानेंट उसका रिपेयर वर्क करेंगे ऐसा कहकर एग्रीमेंट भी लिया, एग्रीमेंट भी बनवाया गया। लेकिन जब 2 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए, उन रुपयों का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया। जब तक पुल प्रॉपर वे में बनकर नहीं तैयार हो जाता, तब तक पब्लिक के लिए उसे नहीं खोला जाना चाहिए था। लेकिन नगर पालिका के बिना लेटर के, बिना परमिशन के उस ब्रिज को, उस मौत के ब्रिज को कॉमन पब्लिक के लिए खोल दिया गया, मात्र 17 रुपए के टिकट पर, जहां सिर्फ 100 आदमी उस पुल पर चढ़ सकते थे या आ जा सकते थे, वहां लालची लोगों ने 500 लोगों तक लोगों को चढ़ने दिया, उस पुल पर आने जाने दिया। क्यों नहीं देख रेख हुई उस पुल की प्रॉपर वे में? ओरेवा कंपनी के वो महाअधिकारी कहाँ हैं? क्यों नहीं अब तक प्रशासन की आंखें उन पर पड़ी हैं? क्या उन्हें गवर्नमेंट बचा रही है? अगर उन्हें गवर्नमेंट बचा भी रही है, क्योंकि छोटी मछलियां पकड़ में आने से कुछ नहीं होगा, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने चोरी छिपे सबकी नज़रों से बचकर, स्वार्थ के नशे में अंधे होकर अपना काम तो कर लिया, अपने पास पैसे भी समेट लिए और लोगों की जानें भी ले ली। उनके नेग्लिजेंस के कारण ही, सही देखरेख ना करने के कारण ही, और सही तरीके से, चूंकि उस पर, उस ब्रिज के ऊपर पैनी नज़र नहीं थी, इसलिए ये लापरवाही का मामला दर्ज होना चाहिए, और शायद जो FIR दर्ज हो रही है वो भी लीपापोती की जा रही है। लेकिन हो सकता है प्रशासन की नज़रों से, पुलिस अधिकारी की नज़रों से, नरेंद्र मोदी की नज़रों से, गुजरात के CM की नज़रों से असली कल्पिट बच जाए। लेकिन इन सबके महागुरु, महाअवतार, जो कल के अवतार हैं, कैसे उनकी नज़रों से वो रियल कल्प्रिट्स बच पाएंगे,
जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जस्टिस करने के लिए वो आए हैं। जिसका जैसा कर्म उसे वैसी सजा। इसमें कोई गरीबी और अमीरी, कोई पावर या मिस पावर, कहीं कोई इस तरह से नहीं जस्टिस की जाएगी। तो मेरा मानना है ये एक्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी, नेग्लिजेंस, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस और पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल, आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है सिर्फ पैसों के लालच के कारण। जब तक उन आत्माओं को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनकी आत्माएं जिन्हें असमय इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ा और जिनकी अपनी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी उनकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उस ब्रिज के बाहर जो बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था सिर्फ 100 आदमी ही जा सकते हैं, उन्होंने अपनी मौज मस्ती के नशे में चूर होकर वो चले गए। जिनकी उम्र, जो आत्माएं यहाँ से गई, उनकी उम्र बिटवीन 18 to 45। तो इतनी यंग आत्माएं जिन्हें इस पृथ्वी को अभी नहीं छोड़ना था, लेकिन अनवांटेड टाइम में, अनवांटेड सिचुएशन में उन्हें पृथ्वी को छोड़ना पड़ा। निसंदेह यदि उनकी कोई गलती नहीं है तो उन आत्माओं के साथ डेफिनेटली जस्टिस कल के अवतार करेंगे, चाहे वो कल्प्रिट्स कितने भी बड़े रसूखदार क्यों ना हो, अपने पावर पोजीशन का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, पुलिस अधिकारियों का मुंह क्यों ना बंद कर लें। लेकिन कल की अवतार की पैनी नज़र हर किसी पर है। वो आत्माएं, वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, एक एक परिवार से चार चार पांच पांच बच्चे एक साथ चले गए। मैंने आपसे अपने कई वीडियो में कहा है कि ये जो डिकेड है ये अनवांटेड सिचुएशंस के लिए हैं। कब कौन सा गंभीर परिस्थिति, कब कौन सी गंभीर परिस्थिति इंसान के सामने आ जाए नहीं पता। इसलिए कोशिश कीजिए अपने ज्ञान की आँखें खोलने के लिए। बिल्कुल अंधविश्वासी बनकर लोगों पर ट्रस्ट मत कीजिए। कहीं पर भी जाइए तो खुद अलर्ट रहिए। खुद की चिंता और अपने परिवार की चिंता, उसकी सुरक्षा पहले अपनी प्रायोरिटी में रखिए। ध्यान दीजिए सिर्फ लोगों पर। आप अंधाधुंध यदि विश्वास कर लेते हैं तो यही विश्वास आपको कहीं ना कहीं धोखा दे जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि खुद अवेकन होइए और अवेकनिंग के राह पर चलिए। तो मोरबी ट्रेजिक इंसिडेंट जो हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की मर्जी, लोग इसे कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस लापरवाही का नतीजा है जिसमें कुछ हायर पोजीशन पे बैठे लोग शामिल हैं और वो कंपनी जो वॉच कंपनी है जिन्होंने इस पुल को बनाने का ठेका लिया था, जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया और समय से पहले ही बिना काम कंप्लीट किए लोगों के आने जाने के लिए इस ब्रिज को खोल दिया और पैसे कमाने के लालच ने उन्हें अंधा बना दिया। तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी, यकीन रखिए। लेकिन उसमें कल की अवतार की मर्जी कि वो कब, किस तरह से, किसको, कैसे, किस प्रकार का न्याय वो देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।